Vivo NEX, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। फोन की फर्स्ट लुक आपको हमने दी, रिव्यू लाने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इसके साथ हमने तसल्ली से काफी दिन काटे और उसके बाद अब लाए हैं आपके लिए Vivo NEX का रिव्यू। एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें दी गई है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। पहली ये कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है Vivo X21 की तरह ही, और दूसरा ये कि इसमें पहली बार किसी स्मार्टफोन में दिया गया है पॉपअप कैमरा जो कि सेल्फी कैमरा है। जानेंगे इस फोन के बारे में कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं, दिखाएंगे इसका पूरा रिव्यू। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा। डिजाइन से आपको बता दें कि ये बहुत ही खूबसूरत फोन है, इसमें कोई शक नहीं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइन्स, इट्स ब्यूटीफुल। जी हाँ, आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों में ही ग्लास दिया गया है, सो उसकी वजह से फोन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भारी होने के बावजूद भी ये काफी स्टर्डी है, तो जब आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो काफी सॉलिड फील आएगा। हालांकि स्लिपरी है ये क्योंकि ग्लास का है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए बैक कवर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। द बैक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, कुछ चेक पैटर्न दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप इसे लाइट में देखेंगे। अदरवाइज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, डिस्प्ले, द स्क्रीन साइज बहुत ही उम्दा फोन है। 6.59 इसका स्क्रीन साइज है, बिल्कुल बेजलेस है, नॉच इसमें नहीं दी गई है फॉर अ सिंपल रीजन कि इसमें जो कैमरा है वो पॉपअप कैमरा है और HD+ डिस्प्ले है इसका। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर स्क्रीन साइज है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ये फैबलेट है, लेकिन हम इसे स्मार्टफोन ही कहेंगे। अब बात करते हैं इसके USP की, जो कि है इसका पॉपअप कैमरा। तो जैसे ही आप कैमरा ऐप प्रेस करेंगे, ये पॉपअप कैमरा अपने आप पॉप आउट हो जाएगा। जी हाँ, और ये 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और आपको बता दें कि लाइक अ नॉटी किड हमने भी ट्राई किया इसके साथ थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने का, तो हमने इसके पॉपअप कैमरा को थोड़ा प्रेस किया पर कुछ खराब नहीं हुआ, वो चुपचाप अंदर चला गया। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पॉपअप कैमरा और उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए। आपको बता दें कि इसमें फेस अनलॉक नहीं दिया गया है फॉर अ सिंपल रीजन कि इसमें पॉपअप कैमरा है, इसलिए वेल उसके लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि बखूबी काम करता है, जैसे X21 में दिया गया था ऑलरेडी। और आपको बता दें कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, तो उससे आपको थोड़ा इस फोन को बचाना पड़ेगा। द कैमरा व्हेन इट पॉप्स अप बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है, टेक्नो टाइप आवाज़ आती है, तो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि आपको कौन सी आवाज़ चाहिए जब कैमरा पॉपअप होता है। तो हमने थोड़ी टेक्नो वाली यूज़ करी थी, तो काफ़ी मज़ेदार है वो आवाज़, बट यू कैन चेंज एज पर योर प्रेफरेंस। इसमें साउंड कास्टिंग सिस्टम है क्योंकि फ़ोन की जो लुक है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए इसमें ईयरपीस जो है वो नहीं दिया गया है, सो इट्स लाइक अ क्लीन एंड क्लियर लुक इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो इसके राइट तरफ दिए हैं नॉर्मल बटन्स जो कि पावर बटन है और साथ ही वॉल्यूम रॉकर है, और लेफ्ट में दिया गया है एक स्पेशल बटन जिसे AI बटन कहा जाए, तो जिसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो गूगल लेंस खुल जाएगा, और अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा जो कि जो भी नाम से गूगल असिस्टेंट है वीवो का, एंड यू कैन चेंज द सेटिंग्स एज पर योर कन्वीनियंस। इसमें डुअल सिम दिया गया है, साथ ही आपको बता दें कि इसकी जो मेमोरी है वो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। फास्टेस्ट प्रोसेसर अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, काफ़ी क्विक चल रहा है, काफ़ी फास्ट चल रहा है, ऐप स्विच करने में, गेम्स खेलने में, हैवी यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इट वॉज क्रिस्टल फास्ट। बैटरी इज ऑसम, 4000 mAh की बैटरी थी, हमने हैवी यूजेज किया इसका, पूरा दिन फ़ोन इस्तेमाल किया क्योंकि ये फ़ोन आया था, काफ़ी लोगों ने फ़ोन लिया और सेल्फीज़ खींची, पूरा दिन हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग करी, गेम्स खेली, हैवी गेम्स खेली, लेकिन उसके बावजूद भी जब रात को हमने इस फ़ोन को हाथ में लिया उसके बाद भी इसमें 35% बैटरी बची हुई थी। वेल फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो कि यूजुअल है वीवो के साथ, और वहीं आपको बता दें कि ये एंड्रॉयड ओरियो पे चलता है, विच इज अगेन द लेटेस्ट वर्जन। वेल और आने वाले वक्त में इसमें एंड्रॉयड पी अपडेट भी दे दिया जाएगा। डिस्प्ले इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्राइटनेस लेवल बहुत बेहतरीन, साथ ही व्यूइंग एंगल्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है क्योंकि ग्लास दिया गया है सामने, बट दैट्स मैनेजेबल क्योंकि स्क्रीन साइज भी बहुत बड़ा है, बट हैविंग सेड दैट द डिस्प्ले इज ऑसम। और अब बात कैमरास की, बैक में दिए गए हैं रियर कैमरास 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, और आपको बता दें इसमें साथ दिया गया है 4-axis OISM ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि काफ़ी बेहतरीन शॉट्स देता है अगर नाइट में आप पिक्चर्स खींच रहे हैं, रात में आप पिक्चर्स खींच रहे हैं,
सो जो एक्सेस हैं इसके काफ़ी अच्छे से पिक्चर लेने में आपकी मदद करते हैं. विविड कलर हैं, ब्राइट कलर्स हैं, नाइट मोड में भी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं और रिकॉग्नाइज करता है स्क्रीन्स को, शॉट्स को. और आपको ये भी बता दें कि इसका जो ऑटो फोकस है बहुत ही प्रिसाइज है. द पॉपअप कैमरा. और अब बात करते हैं इसी की. पिक्चर्स हमने खींची, इससे सेल्फी खींची. इट जस्ट मेक्स यू लुक ब्यूटीफुल. और थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर दिखता है पिक्चर्स में जब आप खींच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है. मतलब आई लव द सेल्फीज क्लिक बाय दिस वन. लो लाइट में भी सेल्फीज काफ़ी इम्प्रेसिव रही. जी हाँ, मैंने बहुत सारे सेल्फीज खींची, लो लाइट में भी काफ़ी बेहतरीन है. इसमें काफ़ी सारे मोड्स भी दिए गए हैं सेल्फी में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. वहीं आपको बता दें एक खास बात कि इस कैमरे से फ्रंट में और बैक में दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. तो दैट्स अनेन अमेजिंग थिंग. नाउ दिस इज अ वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम दिखा रहे हैं आपको वीवो नेक्स पे, जो कि 4-axis OIS के साथ है. और मेरे साथ हैं इमाम फिलहाल जो शूट कर रहे हैं और अब आ गए हैं अपने फ़ोन पर. सो आपको दिखा रहे हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग वीवो नेक्स से. वहीं इसमें AR स्टिकर्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी फ़नी है एंड यू कैन यूज़ इट ऑन एंड ऑफ अगर आपको ज़रूरत है तो. और अब वर्डिक्ट की बात, 44,990 रुपये आपको इस फ़ोन के लिए खर्च करने चाहिए. वेल, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको पॉपअप कैमरा मिल रहा है विच इज़ अगेन गुड. कैमरा बेहतरीन है, सबसे लेटेस्ट और फास्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है इसमें. वहीं इसका डिस्प्ले और डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत, थोड़ा भारी है लेकिन ओवरऑल इट्स अ सॉलिड फ़ोन. तो खर्च किया जा सकते हैं 45,000 रुपये इस फ़ोन पे. द ओनली बैड थिंग हियर इज़ कि वाटर डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, जो कि इतने पैसे में होना चाहिए था. वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ग्लास का है, वायरलेस चार्जिंग हो सकती थी लेकिन दैट्स ओके. इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है एंड इट्स प्रीटी डिसेंट. और बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है तो इट्स प्रीटी फाइन. सो इन माई ओपिनियन, अगर आपके पास बजट है 45,000 का फ़ोन खरीदने का, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है. इसे ज़रूर देखें जब आप खरीदने जाएं फ़ोन को.